हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शिक्षा निदेशालय से आपको दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 10 करेंगे, जो क्लास 8 का विषय आपका साइंस। और ये वर्कशीट आपकी 19 अगस्त 2021 की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं वर्कशीट। बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि समुद्री बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से बिन समुद्री के नहीं देख सकते। ये समुद्री एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास हवा, पानी, सांस के संपर्क द्वारा जाते हैं। आज हम मानव और पशुओं समूह जीव के कारण होने वाली बीमारी के बारे में जानेंगे। देखिए, हमें एक पिक्चर दिखाई गई। तो देखिए, मानव व समुद्री द्वारा होने वाली बीमारियां, देखिए प्रोटोजोआ, मलेरिया होता है, जीवाणु, क्षया रोग, हैजा, एंकाइटर वायरस, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए, चेचक। ओके, अभी देखिए, बीमारियों से बचें, बचाव के उपाय, अपने आसपास सफाई रखें, खुले में शौच ना करें। तो देखिए हमें करना, ये देखिए, अपने आसपास सफाई रखें और खुले शौच ना करें। खाना खाने में पहले खुद और बाद में हाथ धोएं। पानी को अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें। बच्चों को समय पर टीका लगवाएं। खांसते समय मुँह पर रुमाल रखें। ओके, एंथ्रेक्स का खतरनाक मानव मवेशी रोग है, जैसे बैसिल्स एंथ्रेक्स नामक जीवाणु के कारण होता है, जिसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने की थी। देखिए हमें क्या दिया, समय को जांच, निम्नलिखित मिलान करिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मलेरिया से बचने के लिए कौन से दो तरीके बताएंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, मलेरिया से बचने के लिए हमें क्या करना है, जांच निर्माण करें। हम पहले हम सब कुछ समझाया गया था। देखो तो सबसे पहले देखिए क्या है, जीवाणु मतलब कि जीवाणु कौन सा है। बिल्कुल, देखिए लैक्टोबैस मतलब कि क्या करते हैं, दही का जमना, लैक्टोबैक्स से दही का जमना हो जाएगा। ओके, नंबर वन। और देखिए प्रोटोजोआ मतलब कि क्या है, हैजा का कारक, टू मतलब मलेरिया, टू मलेरिया का कारक। और जीवाणु किसको कौन सा है, हैजा। ओके, क्या कर देंगे, हैजा किसको होता है, जीवाणु के द्वारा। और वायरस वो के द्वारा, चेचक का मतलब कार का, ठीक है, कारक। और एक फिर समझते हैं, हमारे ये हो जाता है। ओके, अब देखिए प्रश्न नंबर दो, देखिए मलेरिया से बचने के लिए कोई दो तरीके बताइए, भी हम उसको करेंगे। मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली तीन बीमारियों के नाम लिख बताइए। जो मैंने अभी आपको ये पूछा, आपको ये मेरे को इनमें नाम भी बताने कि जीवाणु जो दही किससे बढ़ता है, मतलब कि दही मतलब आप दही कैसे बढ़ता है, आपको मुझे अपने कमेंट में बताना। ओके, अब देखिए ओके तुम्हारा होता है। अब देखिए इसके आंसर, अभी देखिए मलेरिया से बचने के लिए दो तरीके होते हैं, हमें पानी को अपने आसपास इकट्ठा ना होने दे। आप ये आंसर भी लिख लिए, क्वेश्चन टू के आंसर। ओके, ये आप आंसर हैं। और देखिए मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली तीन बीमारियों के नाम बताइए। तो आप ये भी लिख लेंगे, अपने आसपास सफाई रखें, ये आंसर का टू लिख लेंगे दोनों। ओके, एक एक करके। ओके, ये हो जाएगा। में क्या कर देंगे आप, ये तीनों लिख सकते, जीवाणु के ये, ओके, फिर वायरस से होने वाले ये लिख लेंगे। ओके, थर्ड का आंसर, सॉरी फ्रेंड, ये आपको फोर्थ का आंसर है, आपको ध्यान रखना है। थर्ड का हम बताते हैं, ये आपका थर्ड का ही आंसर होगा। अभी मैंने देखा तो ये फोर्थ का नहीं, थर्ड का ही होगा। ओके, ये आपका थर्ड हो जाएगा, क्योंकि अभी तो थर्ड का आंसर है। ओके, ये वायरस, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस, चेचक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पूरी दुनिया एक महामारी पीड़ित है, ये उस महामारी को समुजीव का नाम बताइए, जिन्हें द्वारा यह फैला है, जिनको रोकने के लिए कुछ तरीके का उल्लेख करें। अगले पांच क्वेश्चन ऐसे कर लेते, एक ऐसे रोग का नाम बताइए जो मानव और मवेशी रोग दो, आपको बताइए होगा कौन सी, बताइए मतलब कोविड-19 फैली हुई है। बिल्कुल सही, किस द्वारा फैली गई है, कोरोना वायरस के, आपको बताइए होगा। उसे रोकने के लिए क्या क्या तरीके, मास्क लगाकर बार बार अपने हाथ को धोएं, मास्क पहने, सैनिटाइजर करें, लोगों से दो मीटर की दूरी बनाए रखें, दो गज की दूरी, मतलब कि आप जहाँ पे जा रहे हैं दो गज की दूरी बनाए रखें और मास्क जरूर पहने। और बार अपने, चलिए करते हैं इसका आंसर बेटा। तो देखिए इसका, तो दुनिया आजकल कोविड-19 से पीड़ित है, यह है कोरोना वायरस SARS कोविड-2 वायरस के द्वारा होता है, जिससे सावधानी के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। घर के बाहर निकलते समय मुंह को मास्क पर लगाना चाहिए, हाथों को बार बार धोना चाहिए, दूसरों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, अपने हाथों से बार बार सैनिटाइजर करना, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना चाहिए। ओके, अब चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। तो देखिए अब देखिए क्वेश्चन 5,
लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ऐसे रोग का नाम बताइए जो मानव और मवेशी विकार रोग होते हैं, बल्कि एक एंथ्रेक्स खतरनाक मानव और मवेशी रोग है। अब ये लिख देंगे, अगर आप ये पूरा यहाँ से कोश नहीं आके अभी आप यहाँ तक लिखना है आपको है तक, ठीक है यहाँ तक आप लिख लेंगे ओके। तो एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है जो वैसे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु के कारण होती है ओके। अब ये आंसर फिर से लिख लेंगे। तो हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर चेक कराइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करते ही आपको एक बेल दिखेगी, बेल को क्लिक करके और सबसे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, आपकी वर्कशीट की वीडियो होती है आपको सबसे पहले मिल जाएगी। लाइक जरूर करें, कमेंट में आपको बताने की आपकी वीडियो कैसे लगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।